सबसे पहले मैं आदिवासी डेलीगेट्स का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप लोग पेट के खुराक के बारे में नहीं सोच रहे और दिमाग के खुराक के बारे में जो हमारा नियम है उसके अनुसार 2 बजे तक हम लोगों को तमाम अधिवेशनों में खाना देते हैं, खाना परोसते हैं। यहाँ 2:22 हो गए और फिर भी आप लोग खाने के बारे में आग्रह नहीं कर रहे हैं और आपको दिमाग के भोजन की ज्यादा जरूरत है ऐसा आप लोग। वास्तव में आदिवासी लोग जो है गौरव के गर्व के विषय है, तो ये बहुत खुशी की बात है। पहले सत्र में जो विषय रखा गया है डीलिस्टिंग वाला, तो उसके संदर्भ में कुछ बातें आप लोगों के सामने आ गई है और प्रेम कुमार गेड़ान के द्वारा कुछ बातें आप लोगों के सामने आ गई है, उसको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, मगर उस संदर्भ में जो बात कहना जरूरी है वो ये कि इस डीलिस्टिंग का जो षड्यंत्र आरएसएस और ब्राह्मणों के द्वारा किया जा रहा है देश में, उसके विरोध में राष्ट्रीय स्तर पर काउंटर कार्यक्रम चलाया जाना जरूरी है। ये जाना बहुत महत्वपूर्ण है, केवल चर्चा करने मात्र से आरएसएस के लोग रुक जाएंगे, चुप हो जाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। मैं 18 साल 3-4 महीने रहा होगा तब से मैं बांग से का काम कर रहा हूँ, अभी मेरी उम्र 65 साल चल रही है, मुझे नहीं लग रहा कि मैं 65 साल का हो गया हूँ, मगर हो गई, अंदर से ऐसा नहीं लग रहा है। मैं जवानी में जितना भाग दौड़ करता था थोड़ा सा ज्यादा भाग दौड़ कर रहा हूँ, तो जवान था तो ज्यादा भाग दौड़ करता था, तो अभी भी मैं भाग दौड़ ही कर रहा हूँ। आपके बांसवाड़ा आने के लिए रात में 9 बजे मैं रतलाम पहुँचा और फिर सवेरे यहाँ आ गया, रात में फिर ट्रेन से रतलाम से दिल्ली जाना पड़ेगा, दिल्ली से लखनऊ जाना पड़ेगा। 17-18 को महिलाओं का राष्ट्रीय अधिवेशन है और मुसलमानों का राष्ट्रीय अधिवेशन है, तो ये मेरी ट्रेडिशन है। तो जब मैं जवान था तब भी मैं घूमता था, दौड़ लगाता था सारे देश भर में हमारे लोगों को जगाने के लिए, तो अभी मैं उससे ज़्यादा दौड़ लगा रहा हूँ। तो मैं 58 साल में या 60 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का आदमी रिटायर्ड हो जाता, तो मैं न रिटायर्ड हो गया हूँ न टायर्ड हो गया हूँ अभी जंगे मैदान में लड़ाई लड़ने के लिए। तो जो आदिवासियों के डिलीस्टिंग का मुद्दा है उसे रोकना होगा, तो इच्छा मात्र से नहीं रोका जा सकता। हमारी अगर इच्छा है तो इच्छा प्रदर्शित कर दिया रुक गया, भाषण कर दिया रुक गया, ऐसा होने वाला नहीं। जरूरी से कह रहा हूँ इसको रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर की संगठन शक्ति चाहिए, राष्ट्रीय स्तर की संगठन शक्ति चाहिए, तब होगा नहीं तो नहीं होगा। तो यही बात समझाने के लिए 18 साल 3-4 महीने का था तब से लेकर अब तक 47 साल हो गए, 47 साल से कर रहा हूं। तो इस 47 साल के प्रयास से रात दिन मेहनत से 31 राज्यों में 567 जिलों में 4,000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में
और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में संगठन फैल गया। और 2030 तक ये 6 लाख गांव का संगठन हो जाए, सारे जिले कवर हो जाएंगे, देश के सारे स्टेट कवर हो जाएंगे, और ये देशव्यापी 6 लाख गांव का संगठन हो जाए, ये हमारा संकल्प है। इस संकल्प के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये अभी जो हमारा संगठन और उसकी संगठन शक्ति बनी, तो वो संगठन शक्ति जो है, ये टीवी का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये आदिवासी के विरोध में जो षड्यंत्र चल रहा है, उसको रोकने का काम कर सकता है, क्योंकि अभी हमारे पास संगठित शक्ति है। अभी हमारे को केवल इच्छा करने से नहीं, तो हमारे पास संगठित शक्ति है। इतने सालों के बाद हमने हमारी संगठित शक्ति बनाई है, उस संगठित शक्ति के बल पर हम लोग उसको रोकने का काम कर सकते हैं। केवल इच्छा मात्र से रोका नहीं जा सकता। ये बात समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि इतने साल लगातार जो संगठित शक्ति का हमने निर्माण किया, हम रोक लगा सकते। मैं आपको उदाहरण बताता हूं कि जब हमने इतनी बड़ी संगठित शक्ति का निर्माण किया, तो 5 मार्च 2020 को हमने 13 पॉइंट रोस्टर आरएसएस के लोगों ने लगाया, आरक्षण खत्म कर दिया, तो हमने उसके विरोध में भारत बंद किया। 5 मार्च 2019 को भारत व्यापी संगठन है, तो भारत बंद कर दिया। भारत बंद का मतलब गली मोहल्ला बंद करना नहीं है, भारत बंद का मतलब बहुत बड़ा है, हमारा देश 36 राज्य है और 714 जिले, बहुत विशाल है। वो भारत बंद का हमने ऐलान किया और सारे देश भर में भारत बंद हो। आईबी ने नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट किया भारत बंद का, कि विशाल भारत बंद हो, तो नरेंद्र मोदी को हमने मजबूर किया कि वो संसद में 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में 200% रोस्टर का कानून बनाए। तो ये कोई मंत्रिमंडल के बैठक में पास किया हुआ रेजोल्यूशन नहीं है, संविधान संशोधन है जो पार्लियामेंट में किया गया। 5 मार्च को हमने भारत बंद किया संगठित शक्ति के बल पर। उस संगठित शक्ति के बल पर जो हमने 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में 200 पॉइंट रोस्टर के लिए भारत बंद किया, तो नरेंद्र मोदी को हमने मजबूर किया संविधान संशोधन करने के लिए। नरेंद्र मोदी को जानते हो, बहुत अपूर्व आदमी है, बहुत अकड़ता है, बहुत अकड़ता है। आप लोग जानते नहीं हो शायद, नरेंद्र मोदी बहुत अकड़ता है, सीधा किया, सीधा अकड़ता है तो सीधा किया। और संविधान संशोधन करवाया नरेंद्र मोदी से, हमारे देहात में, महाराष्ट्र में, आपके राजस्थान में है कि नहीं मालूम नहीं, कहा वजह मरा हुआ आदमी बहुत अकड़ता है। आपके राजस्थान में देहात में क्या होता है, जो आदमी मरता है तो बोलते यार इसको भी लगा सीढ़ी पर उठाने के बाद सलाह ऐसा खड़ा ना हो जाए। आदमी के मरने के बाद शरीर अकड़ता है, ये देहात के लोगों को मालूम है, बोलते घी लगा, तो उसके सारे शरीर को गेहात में घी लगाया जाता है। अभी तक ये पता नहीं चला कि उसको जिंदगी में घी खाने को मिला था या नहीं, मरने के बाद उसको जरूर लगाया। तो सीधा करने के लिए ये सीधा हो जाए, अकड़े नहीं, तो मरा हुआ आदमी बहुत अकड़ता है। तो ये जो नरेंद्र मोदी है ये भी मरा हुआ, आप बोलेंगे अजीब किस्म की बात है, चलता है फिरता है, घंटा घंटा भाषण करता है, टीवी पर भी आता है, और राजस्थान में आता है तो राजस्थान का फेटा पहनता है, नागालैंड जाता है तो वहां का टोपी पहनता है, बंगाल जाता है तो सुभाष चंद्र बोस का टोपी पहनता है, यानी मतलब इतना टोपी बदलू आदमी है, टोपी बदलते रहता है।
तो ये जो नरेंद्र मोदी का खेल है, जो आपको समझा रहा हूं, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर उसका उसकी अपनी अपनी कोई पहचान होती तो उसको हरेक की पहचान लेकर बदलना नहीं पड़ता। तो उसकी अपनी पहचान नहीं है, वो हरेक के साथ अपनी पहचान मिलाता है, क्योंकि उसकी अपनी पहचान नहीं है। ये भरा हुआ आदमी ओबीसी का कहता है, ओबीसी के ही विरोध में जातीय आधारित गिनती नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करता है। अरे तू ओबीसी का आदमी है, ओबीसी के ही विरोध में जाकर हलफनामा दाखिल करता है, तो तू जिंदा कैसे है? तो नहीं माना जा सकता। तो इसलिए कह रहा हूं, और उससे हमने 5 मार्च 2019 को भारत बंद करवा के अपना काम कर 29 जनवरी 2020 को दोबारा भारत बंद किया सीए के विरोध में। सीए क्या है? छोटे लेवल पर उन्होंने सीए को आसाम में लागू किया। आसाम में 19,48,000 लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया, उसमें 5 लाख मुसलमान थे, तो 14 लाख एससीएसटी ओबीसी के थे, 60% से ज्यादा आदिवासी थे। वहां इतने लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया। जब मैं वहां गया, मैं देख के हैरान हो गया, मुसलमानों के नाम पर हमारे लोगों का साथ सहयोग लिया, और जब निकालने का मामला आया तो हमारे